उमगांव व्यापार मंडल चुनाव को लेकर मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गया है। पहले दिन के नामांकन प्रक्रिया में दो उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद के लिए अपना पर्चा भरा, जिसमें निवर्तमान अध्यक्ष श्रवण कुमार झा व सिसोनी पैक्स अध्यक्ष सुमन कुमार झा नामांकन का पर्चा भरा। प्रशिक्षण भवन में नामांकन का कार्य कराया जा रहा है। वहीं प्रबंध समिति के लिए कुल 10 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया है, जिसमें एक महिला व 9 पुरुष शामिल है। नामांकन का पर्चा भरकर वापस आने पर समर्थकों ने प्रत्याशियों को फूल मालाओं से लाद दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ कृष्ण मुरारी ने बताया कि 3 व 4 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया संपन्न किया जाएगा। तदुपरांत 6 व 7 जनवरी को समीक्षा होगी। 9 जनवरी को नाम वापसी की तिथि निर्धारित की गई है। 18 जनवरी को मतदान के उपरांत मतगणना संपन्न कराया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया में सहायक निर्वाची पदाधिकारी सतीश प्रसाद वर्मा, बीओ प्राणनाथ सिंह, शैलेंद्र झा, मनोज मौर्य व जितेंद्र किशोर सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे। मुखिया जी, क्या हाल चाल है? ठीक। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।